वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के जिमन में मुल्क भर में 1 करोड़ दरख्त लगाने की मुहिम आज मुकम्मल हो रही है। आखिरी दरख्त 1 करोड़ हुआ। नांदेड़ के सेंट्रल CRPF की छावनी में शजरकारी कर मुकम्मल की गई। CRPF ने मुल्क भर के 170 अजला में 1 करोड़ दरख्त लगाने का मंसूबा बनाया था, जो आज मुकम्मल हो रहा है। इन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह की मुकद्दस ज़मीन पर मैं आया हूं और आज ही मुक्ति संग्राम दिन मनाया जा रहा है, जिससे निज़ाम हुकूमत का खात्मा अमल में आया था। मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत के तरफ पेशरफ्त करते हुए आज ही के दिन 17 सितंबर 1948 को निज़ाम हुकूमत पर हमला कर इनकी हुकूमत को बेदखल कर दिया था। अमित शाह नांदेड़ तहरानगा सुबह तशरीफ लाए। इनका इस्तकबाल ज़िला इंतजामिया के आला अफसरान के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कायदीन ने किया। वो वहाँ से सीधे मुतखेड़ के CRPF कैंप चले गए। वहाँ शजरकारी कर जवानों से खिताब किया। इसके बाद वो तेलंगाना के निर्मल ज़िले के लिए रवाना हुए, जहाँ एक तकरीब में शिरकत कर नांदेड़ वापस आए। इसके बाद इन्होंने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की समाधि सचखंड गुरुद्वारे में जाकर दर्शन किए। इस मौके पर इनके हमरा रुकन पार्लियमान प्रताप पाटिल चिकलीकर, भारतीय जनता पार्टी के अरकान असम्बली भी मौजूद थे। गुरुद्वारा बोर्ड की जानिब से अमित शाह का शायान निशान इस्तकबाल किया गया। इसके बाद अमित शाह रुकन पार्लियमान प्रताप पाटिल चिकलीकर के मकान गए। वहाँ इन्होंने चिकलीकर के अफराद खानदान से मुलाकात की और शाम में वो नांदेड़ के एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमने एक लक्ष्य तय किया था कि हमारे सभी बल इकट्ठा होकर सारे के सारे CRPF मिलकर 1 करोड़ से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे और उसको अपने सर से ऊपर तक ले जाने की वैज्ञानिक व्यवस्था भी करेंगे। आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मेरे ही हाथों से पीपल का एक वृक्ष यहां पर लगाया गया है और हमारा 1 करोड़ का लक्ष्य हम पूर्ण कर रहे हैं। 1 करोड़ वृक्ष देश भर में लगभग 170 से ज्यादा जिलों में हमारे CRPF ने लगाने का काम किया है। और ये और महत्वपूर्ण है कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसी दिन हम ये लक्ष्य को पूरा करें। और ये वृक्ष ऐसी जगह पे लगाया जा रहा है, ये मराठवाड़ा का हिस्सा है नांदेड़, जहां गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में आज भी हजूर साहब बना हुआ है। और आज जो हिस्से में हम खड़े हैं उसको आजादी का दिन भी आज का ही है, 17 सितंबर का है। आज ही के दिन हैदराबाद के निजाम के जुल्मी शासन से ये पूरा क्षेत्र, यहां से लेकर बीदर होकर तेलंगाना का पूरा क्षेत्र आजाद हुआ। लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।